राम राम सभी भाइयों, मैं विनोद डागर और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाइयों, मैं जा रहा हूँ अब लेबर लेने का, ठीक है ना। उठ गए सुबह सुबह और लेबर लेने के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ बच्चे सो रहे हैं, देखो ये पड़े हुए, ये है एक, उधर फोन देख रहा हूँ, देखो वो पड़े, और मैं जा रहा हूँ लेबर लेने के लिए, ठीक है। और क्या बुला रही मम्मी, रहिए आके देखूँ मैं लेबर, आप लाऊँ गाड़ी तो 5 मिनट में, मैं गाड़ी जो लेके जा रहा हूँ मुझे। तो भाइयों, लेबर आ चुकी है खेत में और गन्ना की कटाई कर रही है। तो देखो मैं दिखाऊँ, ये ठेकेदार है और ये इस ठेकेदार की लेबर है, ये लग रही है। दो भाई इधर हैं, तीन भाई पीछे की तरफ में लग रहे हैं, और मैं दिखाऊंगा अपने जो अच्छी तरीके से इनकी कटाई करने का तरीका दिखाता हूँ भाई, और फिर छिलाई करने का तरीका भी दिखाऊंगा मैं आपको। वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाँ भाई ठेकेदार, कितनी छिलाई कर देख रहा हूँ तुम एक दिन में? 80 क्विंटल। अच्छा, जूस के लिए भी है, मील के लिए भी है, जूस के लिए हो या पर्ची के लिए, किसी के लिए भी, किसी के लिए हो, सारा काम होता है, सारा काम। अरे ये भाई लग रहे, ये देखो यहाँ से कटाई कर दिए इन्होंने, धड़ाधड़ स्टार्ट। राम राम सभी भाइयों को। और भाई ये गेहूं है हमारे, कुछ एक वहाँ खड़ी है, वो खड़ी और वो खड़ी, गेहूं हल्के रह गए हमारे भाई। काद पानी कम लगे, अभी पानी लगेगा ना हमें, ना पानी लगेगा अभी हमें, भाई मालिक ने दिया जो ठीक दिया, अच्छी फसल है, बहुत बढ़िया है फसल जो मिले, वहाँ पर जाना कमी चाहिए, उनमें थलकी है फुलकी बढ़िया। देखो पर्ची है, 4 बजे तक कर दोगे, मतलब 4 बजे तक पर्ची करने के बाद में लोड करके ट्रॉली फायर गए, चलो उतना टाइम है जी, इतना टाइम है। अच्छा, और आज तो फिर तुम जल्दी आओ उस दिन से। जल्दी हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा कर दियो, क्या दिक्कत आ रही है, एडवांस पड़ी रहेगी। कितनी छोल दे, क्या बात, 2 ट्रॉली भरने जाएंगे 40-40 क्विंटल की, क्या भाई। है प्रमोद, झगड़े 80 क्विंटल छील दे, मैं इनकी 40-40 क्विंटल की 2 पर्ची भर ले जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। और तो कोई बात नहीं, 4-5 बजे तक छील दी, क्या है रो, जितनी ज्यादा छोलोगे उतनी तो तुम्हारा काम बढ़ेगा। हाँ तो बस, तो छोले जाओ तुम दबा के, ऐसा मेरी पर्ची आ जाएगी तो जो कुछ भोगो तो वो वहाँ में डाल देंगे ना जी। ऐसा करियो, मैं बताऊँ, एक ट्रॉली में 39 क्विंटल ही, एक में तुम एक में कर देंगे 50-44 क्विंटल, बाकी जो दूसरी ट्रॉली रहेगी ना मेरी पर्ची आवे बजट आप गेट देंगे, 7 हज़ार थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, वो तो चढ़ जाएगी एडवांस में, 250 क्विंटल डाल रहा है एक ने एडवांस में। अच्छा जी, चल ठीक है, तुम छोले जाओ, मैं दलने पल्ले ना हो, तुम अपने क्या हो जाए, हमारा इंतजाम है, बाइक ले जाए तुम्हारे, हम ले जाएंगे यहाँ का, कोई बात ना, मैं जा ही रहा हूँ,
तो भाइयों इनने अपनी चाय वाय पी ली है, पीने के बाद अब ये ट्रॉली भर रहे हैं। स्टार्ट हो गए ट्रॉली भरना। भाई इसमें ना एक तो बंधा ना वहाँ निकाल लीजिए, ठीक है? और ले और पीछे ना, पहले पीछे तो भरी हो जैसे उस दिन भरी। चाची नौकरो पहले आगे भर की तुमने? बहुत ना पीछे तो भरी। हाँ पीछे तो भरी, क्यों उलरी ना आई हो? खाली ना आई वैसे? का है खाली ना आई हो? तुम्हारे प्रयासर में तुमने आई थे ना खाली ने 60 क्विंटल। कमाल करो सबके इधर बात। तुम लोग हो जी 60 क्विंटल गन्ना भर के प्रयासर उठाए थे हमारे सामने, बताओ। अरे वैसे तो उठ गई ऊपर, पर वैसे ना खाली नीचे है। पूरी जैक खुल गई या की जब पूरी जैक पेट्रोल में बात हुई हो थी तो आगे बढ़ाई होती ना, तो बढ़ाई ना ट्रैक्टर को टायर आधा रहेगा आगे थे आगे बढ़ाओ उधर आते तो लिफ्ट रहते हैं। जब प्रेशर ऊपर उठावे ना जब नीचे तो हल्का हल्का आगे बढ़ाते एकदम उठी ऊ चाचा ने एकदम उठो तो उठा दी ना खाने देने आगे ना नीचे गिरे साल पहले बोल लगा ना रे है कई साल पहले बोई गए हम इन्हीं खेतन में बोए गए 3 किला ये 2 किला उधर, मतलब जो है ना सन कितने बोई सन सन तो है पता ना कितने दिन है गए अभी ना आया सन बनी है काय किस रहे हो ताऊ भंडारी ये चुटकी मार के लगाई दियो है और थोड़ी वैसे हिसाब तो चाहिए जैसे बाकी फौजी की फिसल गई ना ऐसे मत भर दी जाओ फौजी की थी बदने। हाँ फौजी की फिसल गई पूछ ले प्रमोद है फौजी की तो कल बेकार है वो कल निकली एक निकली है। हाँ कल निकली है अपने मगर उसकी उसकी हाइट जो ट्राली में भरते हैं ना एक बार रोड पे ट्राली पलटी गई अच्छा और का इधर दिखता जा रही है इधर होते हैं ना दूसरा ट्रैक्टर आ गया वो आ रहा हो ट्रॉली जोड़ रहा हो कर तो ठीक है भाइयों वीडियो का करते हैं एंड और बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, ठीक है? थैंक यू सो मच भाइयों, राम राम, राम, राम।